अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू प्लेक्स सिनेमा डीएचए कराची में और यहां पर आज फिल्म दगाबाज दिल का रेड कारपेट और स्क्रीनिंग है। ये फिल्म ईद उल फित्र 2024 के दिन यानी कल रिलीज़ होने जा रही है और आज इसका रेड कारपेट शो है। हम ये बताते चलें कि आज जिस फिल्म का यहाँ रेड कारपेट है, उस फिल्म की कास्ट में अली रहमान, मैविश हयात, बाबर अली व दीगर मौजूद हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर वजाहत रऊफ़ हैं। वजाहत रऊफ़ इससे पहले कराची से लाहौर, लाहौर से आगे और छलावा जैसी फिल्में प्रोड्यूस भी कर चुके हैं, डायरेक्ट भी कर चुके हैं और लास्ट ईयर उनकी पर्दे में रहने दो एक फिल्म रिलीज़ की गई थी। वजाहत रऊफ के हवाले से ये बात बड़ी मशहूर है कि वो एंटरटेनिंग फिल्म बनाते हैं और पब्लिक उनकी फिल्मों को पसंद करती है। तो बस हम चलते हैं और जैसे ही यहाँ कास्ट मौजूद होती है हम आपसे उसकी मुलाकात कराते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म और टेलीविज़न की सुपरस्टार मैविश हयात। हम इनसे बात करते हैं दगाबाज दिल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ये बताइए कि दगाबाज दिल, इसमें आप मरकज़ी रोल में हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में यूँ तो हर फिल्म आपकी सुपरहिट जाती है, इस फिल्म के हवाले से कुछ बताइए। इस फिल्म के हवाले से भी यही उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि ये फिल्म भी लोगों को पसंद आए और वो जो है वो घरों से निकलें, सिनेमा हॉल की तरफ जाएँ, सिनेमा में हमारी इस फिल्म को एंजॉय करें, क्योंकि ईद के स्पिरिट के साथ बड़ी जाती है ये फिल्म। सो अच्छा, ये बताएं कि आपको मुतअद्दिद फिल्में, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, कराची से, लाहौर से बहुत सारी फिल्में ऑफर्स होती हैं, लेकिन आप बहुत ही चूजी हैं। ऐसा क्यों है कि सारी फिल्में आप क्यों नहीं करती, बल्कि करोड़ों की फिल्म भी आप रिफ्यूज़ करती हैं, क्या बात? इसकी वजह ये है कि जो भी चीज़ मेरे दिल को छूती है और जो कैरेक्टर मुझे एज ए आर्टिस्ट चैलेंज करता है, मैं वो वाला प्रेफर करती हूँ करने में। मेरे लिए पैसे बाद में आते हैं, पहले मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी है कि वो कैरेक्टर क्या कहता है मेरे लिए। सो इसलिए, और प्लस मैं चाहती हूँ कि मैं कम कम दिखूँ ताकि लोग मेरा इंतज़ार करें मेरे प्रोजेक्ट का। अगर हर प्रोजेक्ट में दिखूँगी तो बोर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ये कि जी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए आपको कोई होप नज़र आती है आगे? बिल्कुल होप है और ये फिल्म भी इसीलिए आई होप कि ये काम कर जाए और ये चल जाए ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो मज़ीद जो है वो फिल्में बनाने में उनका ट्रस्ट डेवलप हो, उनको थोड़ी सी इस बात का तसल्ली हो कि लोग आते हैं, फिल्में देखते हैं और फिल्में बिजनेस करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनने की ज़रूरत। थैंक यू। आप इस फिल्म के हीरो हैं और इससे पहले आपकी मुतअद्दिद फिल्में सुपरहिट हो चुकी हैं, इस फिल्म के हवाले से बताएं आपको क्या उम्मीद है? मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि वाहिद फिल्म आ रही है ईद पे इंशाल्लाह, और ईद लंबी है इस बार तो लॉन्ग वीकेंड भी है और लोग बाहर निकलेंगे, इंजॉय करेंगे, अपने फैमिलीज़ के साथ निकलेंगे, दोस्तों के साथ निकलेंगे, तो यकीनन सिनेमा की तरफ रुख करेंगे। तो आई थिंक बिकॉज ये ओनली उर्दू लैंग्वेज फिल्म आ रही है और आपको पता है अंग्रेज़ी फिल्में तो हम देख ही लेते हैं, मगर अपनी फिल्में होती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आवाम निकलेंगी अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखेंगी। फिल्म बहुत लाइट हार्टेड, रोमांटिक कॉमेडी और एक थोड़ा सुपर नेचुरल एलिमेंट भी है, तो इन्जॉय करेंगे लोग। सर ये बताएँ कि जी, आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री 12-14 साल से, हमारी हर ईद पे 4-6-8 फिल्में आती थी, यानी 4 फिल्में ज़रूर आती थी, कुछ इस दफ़ा कमी है, क्या ऐसा लगता है कि जी कुछ प्रोड्यूसर पीछे चला गया है या मतलब फिल्म फ्लॉप होने का डर है, क्या वजह है, थोड़ा सा बताएं? असल में आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ हुआ ये है कि जो पिछले अभी 2-3 महीनों में फिल्में आई हैं ना, उन्होंने ज़्यादा बिजनेस नहीं किया। इट्स अ शेम कि हमारी जो है ना फुटफॉल कम हो रही है, मगर ईद का तो मौका ऐसा होता है कि लोग बाहर निकलते ही निकलते हैं और तफरी करने की एवेन्यूज़ हमारे पाकिस्तान में कम ही हैं, खाने पीने की चीज़ें या बाहर सैर सपाटा है या फिर हमारे पास सिनेमा घर है। तो आई थिंक ये 3 चीज़ें जो है ना बड़ा प्ले करेंगी इंपॉर्टेंट रोल और लोग आउट ऑफ बोर्डम एंड आउट ऑफ नेसेसिटी जाएंगे सिनेमा, क्योंकि एंटरटेनमेंट है एट द एंड ऑफ द डे। और जब एक पाकिस्तानी फिल्म निकली है, कास्ट भी इसमें मैविश हयात है, मोमिन साकिब है, बाबर अली हैं, सलीम शेख हैं, बहुत सारे लोग हैं और अली रहमान और मैं खुद हूँ, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी नाइस चेंज। मज़े की स्टोरी है, मज़े का टॉपिक है और मुझे लगता है कि वर्ड ऑफ माउथ से भी लोग काफ़ी फिर जो है ना उसको जाके देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, आपको हम मज़ीद
मज़ीद कई फिल्मों में देख सकेंगे, ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा या ईद उल फ़ित्र की मज़ीद फिल्मों में देख सकेंगे इंशाल्लाह। इस साल एक और भी प्लान है तो आप ज़रूर मुझे, ये आखिरी दफ़ा नहीं देख रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविज़न का एक बड़ा नाम सलीम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये दगाबाज दिल के आप प्रीमियर पे मौजूद हैं, इस फिल्म के हवाले से बताएं आपको क्या लगता है ये कैसी फिल्म होगी? देखिए मुझे तो लगता है बहुत अच्छी फिल्म है, हमने काम की है और इंटरटेनिंग फिल्म है और इंशाल्लाह लोग इंजॉय करेंगे। एक अच्छी फिल्म आ रही है पाकिस्तान में ईद पर और एक ही फिल्म है तो हम सबको मिलके इस फिल्म को देखना चाहिए, फिर उसके बाद फैसला करना चाहिए और इस पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करना चाहिए। पाकिस्तानी आप फिल्मों में इस वक्त कम कम क्यों नज़र आ रहे हैं? नहीं अब शुरू हो गया हूँ तो अब नज़र आऊँगा आपको इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म का एक अहम किरदार मोमिन साकिब, इनसे हम इस फिल्म के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी सर ईद मुबारक। इस फिल्म यानी वजाहत रऊ साहब की फिल्म है दगाबाज दिल, इसमें आपका किरदार बड़ा ज़बरदस्त सा नज़र आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे? मैं चाहूँगा कि फिल्म अब तकरीबन 10 से 15 मिनट में लोगों को मौका मिलेगा देखने का तो वो देख के ही बताएं कि उनको मेरे किरदार की क्या समझ लगी है। लेकिन एक विटी सा एनर्जेटिक सा कैरेक्टर है जो फिल्म के ड्रामा में लव ट्रायंगल में एक किरदार अदा कर रहा है, बट बड़ी मोहब्बत से बड़े खुलूस से फिल्म बनाई है और कोशिश की एक अच्छी चीज़ निकले जो ईद पे लोग जाके देखें तो उनके चेहरे पे खुशी हो। तो अब ये तो आप एज ए डायरेक्टर वजाहत रऊफ साहब को आपने कैसा पाया कि ये फिल्म इस फिल्म से आपको कितनी हेल्प मिलेगी और वजाहत रऊफ साहब के हवाले से बताएँ कुछ? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स दैट आई हैव कम अक्रॉस इन माई लाइफ और मेरा आई थिंक मेरा थर्ड प्रोजेक्ट है इनके साथ, तो इनका काम तो आप लोगों ने देखा है रक्से बिस्मिल से लेकर किस तरह सराया गया और मेरी एक वैसे इक्वेशन बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है उनके साथ, कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से काम फील्स लाइक मोर लाइक यू नो फैमिली रीयूनियन वर्किंग ऑन क्रिएटिंग अ पीस ऑफ आर्ट, सो इट वॉज फिनोमिनल। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम इमरान अशरफ साहब, हम उनसे बात करते हैं इस फिल्म के हवाले से दगाबाज दिल के। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ी ज़ात मेरे अल्लाह की, बाकी सब तो बराबर हैं। दगाबाज दिल एक ज़बरदस्त फिल्म है, आप सबको चाहिए कि आएँ और इकलौती फिल्म है, इकलौता तो हमेशा लाडला होता है, हमारी पूरी कौम को चाहिए कि इसके साथ आगे लाड करें। सर ये बताएं कि जी बहुत अरसे से हमारे यहाँ हर ईद पे 4, 5, 6 जैसे आपकी भी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी ईद उल फ़ित्र पे, इस दफ़ा 1 या 2 फिल्म आ रही है, क्या वजह है कि आप कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल? सर अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता क्यों एक आ रही, लेकिन फिर भी आप ये बताएं। रोशन है, रोशन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ईद मुबारक मेट्रो देखने वाले सब लोगों को मेरी तरफ से। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म के डायरेक्टर वजाहत रऊफ और इनका इनका नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, बहुत सारी फिल्में इनके क्रेडिट्स पर हैं, आज इस फिल्म के हवाले से बात करते हैं हम इससे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी सर अल्लाह करम। सर आप ये ईद मुबारक। सर ईद मुबारक, चांद नजर आ गया है। सर दगाबाज दिल, आप आमतौर पर नाम आपके बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं जो एक फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, इस फिल्म के हवाले से बताएं कि क्या आपने इसकी स्टोरी क्या है या इस फिल्म का मरकज़ी ख्याल क्या है? जो ट्रेलर में है उतना मैं बता सकता हूं कि लड़का और लड़की की शादी हो रही जो नहीं करना चाहते शादी, फिर जब वो फाइनली मान जाते हैं तो कुछ असरात हैं, कोई जिनों का जिक्र हो रहा है यहाँ। बाकी मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा, मैं कहूँगा आप सब सिनेमा आके देखें, बट इट्स अ डिफरेंट मूवी, ये वैसी नहीं है नॉर्मल शादी ब्याह वाली, शादी ब्याह भी है लेकिन इसके अंदर जिन भी है।
अच्छा ये बताएं कि सर आमतौर पे पिछले 10-12 सालों में हर ईद पे 4, 5, 3, 2, 5 फिल्में रिलीज होती हैं, इस दफ़ा सिर्फ एक फिल्म है या एक और फिल्म है कोई उसकी कोई पब्लिक? सुने 9 फिल्मों सेंसर अप्रूव हुई हैं। 9 फिल्में जरूर हुई हैं। पाकिस्तानी फिल्म जो है वो आपकी ही फिल्म है जिसका शोर है, ऐसा क्यों है? आई विश और भी लोग बनाते, हिम्मत करें, हमने भी हिम्मत की है, अल्लाह करे चल जाए तो आई थिंक सबको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट ज़्यादा फिल्में होनी चाहिए और ईद पे तो एटलीस्ट 3 फिल्में होनी चाहिए पाकिस्तानी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, लेजेंड स्टार जनाब जावेद शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि आज यहाँ पर बहुत रौनकें हैं और द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद बहुत अरसे बाद रौनकें नज़र आ रही हैं, इस फिल्म के हवाले से कुछ बताइए। भाई फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग है, इत्तफाक़ से ये मैं फिल्म कर रहा था बट मेरी डेटें क्लैश कर गई, वो लंदन में जो फिल्म लग जाएगी फिरोज खान के साथ, तो वो और इनकी डेटें, ये इनकी 15 जनवरी से थी और मैं वहाँ पर 8 जनवरी से ऑलरेडी था वहाँ पे, तो वो डेटें मैनेज नहीं हुई, बट वजाहत और शादियाँ से हमारा फैमिली रिलेशन है तो इसलिए उनको मुबारकबाद देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आया हूँ। एंड आई एम श्योर कि ये फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग और लोगों को इन्जॉय करवाई। सर एक सवाल लोगों के जहन में अब उठ रहा है कि जिस वक्त भारतीय फिल्में यहाँ हमारे यहाँ लगती थी उस वक्त पाकिस्तानी फिल्में बहुत सुपरहिट बिजनेस किया करती थी, आपकी भी बेशुमार फिल्में जो उस वक्त सुपरहिट हुई, तो क्या ऐसा नहीं है कि जी क्या ऐसा हो सकता है कि अगर वो फिल्में खोल दी जाएँ तो हमारी फिल्में भी दोबारा से फिर सुपरहिट बिजनेस हासिल करें? हाँ नहीं, हाँ मैं तो कभी भी उनके खिलाफ नहीं था, उनके मुकाबले में हमारी फिल्में भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी, यही सिनेमा था, यही जगह थी और सारा कुछ हम देख रहे थे, बट मैं तो इसके हक में हूँ कि वो फिल्म खोलनी चाहिए। ईद उल अज़हा या 2024 में आपकी हम कोई फिल्म देख सकेंगे? मे बी यस, वो जो करके आया हूँ लक लग जाएगी, हो सकता है वो फिल्म बड़ी ईद पे हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी टेलीविज़न का एक स्टार, बहुत बड़ा स्टार शहरोज, उनसे हम इस फिल्म के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम। ये बताएं आज आप देखने आए हैं दगाबाज दिल, यस, क्या उम्मीदें लेकर आए हैं? बहुत अच्छी उम्मीदें लेकर आए हैं, एक तो वजाहत रऊफ साहब ने जब भी फिल्म बनाई है थॉरो एंटरटेनर बनाई है, लोग एंटरटेन होते हैं, पाकिस्तानी आवाम के लिए एक तोहफा है ईद पे, क्योंकि जो हालात से हम गुजर रहे हैं उस पर एक फिल्म आना बहुत बड़ी बात है, इन्होंने इतनी जल्दी बना के इसको रिलीज़ किया और इंशाल्लाह अल्लाह इनको कामयाबी दे। इस जोड़ी को हम सिनेमा पे कब देखेंगे? इस जोड़ी को सिनेमा पे मुझे लग रहा है जल्द हो जाएगा, हाँ क्योंकि बहुत से लोग चाह रहे हैं, लेकिन हमें स्क्रिप्ट और चीज़ें हम चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो कि हम अपने आवाम को और अपने चाहने वालों को खुश करें। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म और टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम और फिल्म के हवाले से इस वक्त सबसे बड़ा नाम समझा जाता है नदीम बेग साहब, हम उनसे बात करते हैं इस फिल्म के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आज दगाबाज दिल फिल्म का प्रीमियर है और आज यहाँ एक मरतबा फिर एक अरसे बाद रौनकें बहाल हुई हैं, आपको कैसा लग रहा है और इस फिल्म के हवाले से बताएँ क्या उम्मीद है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, फिल्म जब लोग देखने के लिए आते हैं, प्रीमियर्स होते हैं, ईद आती है तो ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन होती है पब्लिक की। फिल्म के लिहाज से फिल्म में महविश हयात हैं जो कि एक गारंटी है फिल्म के हिट होने की, क्योंकि अब तक की उनकी कमोबेश सारी फिल्में हिट हुई हैं, तो इंशाल्लाह ये फिल्म भी हिट होगी। ऊपर से डायरेक्टर हैं वजाहत हुसैन जो कि इस जॉनरा में बहुत अच्छा काम करते हैं, सो और सब कुछ परफेक्ट है, फिल्म इंशाल्लाह सुपर हिट होगी। सर ये बताएं कि जी आपकी फिल्म ईद उल अज़हा पे हम अक्सर देखा करते हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस ईद उल अज़हा पर भी आपकी फिल्म हम देख सकेंगे? इस ईद पे नहीं आ सकेगी क्योंकि हमारा जो शूटिंग प्लान है जो पहले से बना हुआ है उसकी टाइमिंग अब ज़रा
आगे की है। फिल्म हम कहीं जुलाई अगस्त में ख़त्म कर रहे होंगे, सो यकीनन एंड ऑफ दिस ईयर आएगी फिल्म। लास्ट क्वेश्चन सर ये कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री 2012 के बाद से कंटिन्यू बहुत अच्छी फिल्में आ रही थी, हर ईद पे 4-6 फिल्में, बकरीद पे, लेकिन इस ईद पे सिर्फ 1 या 2 फिल्म पाकिस्तानी लग रही है। क्या आपको लग रहा है मुस्तकबिल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, पाकिस्तानी सिनेमा का? देखें, मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मुस्तकबिल अच्छा नहीं है, मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा। उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें, लोगों की आदत सिनेमा आने की ख़त्म हो गई है, उसकी वजह यह है कि फिल्में इतनी कम लगती हैं। मेरा ख्याल है जब इंडियन फिल्म खुलेगी पाकिस्तान में तो फिर पाकिस्तानी फिल्म भी ज़्यादा बनेगी। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ फिल्म की चाइल्ड स्टार रवीहा, और हम इनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि इस फिल्म में इनका क्या किरदार है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए कि आपका इस फिल्म में यानी दगाबाज दिल में क्या किरदार है, आप क्या कर रही हैं इस फिल्म में? मेरा जो किरदार है वो है सोनी, जिसे कुछ समझ नहीं आता कि घर में क्या हो रहा है, तो वो क्वेश्चंस पूछती रहती है। तो वजाहत रऊफ साहब जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, क्या आपको वो कैसे लगे? उन्होंने बहुत डांट डपट करके आपसे काम किया या बहुत ही पोलाइटली उन्होंने काम आपसे कराया, कैसे लगे वो आपको? पहले जब पहले दिन उनसे मिली मैं समझी कि वो जो हैं, मतलब उनकी आवाज़ से लगा कि कुछ मतलब डांटेंगे वो, मगर जब उनसे बात करी वो बहुत अच्छे थे। फिल्म की कास्ट के दीगर लोग जैसे मेविश हयात हैं, अली रहमान हैं, बाबर अली साहब हैं, उनके साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा रहा? बाबर अंकल भी बहुत अच्छे थे, अली भाई भी अच्छे थे। लास्ट ईयर मैंने उनके साथ एक सुपरहिट ड्रामा भी किया था, वो गुरु, आपको शायद पता होगा, और मेविश अभी तो बहुत अच्छे थे। आप क्या समझती हैं कि ये फिल्म पाकिस्तानी जो फिल्मी शायकीन हैं, जो फिल्म देखने वाले लोग हैं, उनको सिनेमाओं तक ला सकेंगी, और ये कैसी फिल्म होगी? ये सिनेमा तक लाएंगी, क्योंकि ये मुझे पता है बहुत अच्छी फिल्म है। इस वक्त हमारे साथ एक और चाइल्ड स्टार मौजूद हैं, इस फिल्म का ये हिस्सा हैं, अब्दुल मुकीत। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप थोड़ा सा अपने इस फिल्म में किरदार के हवाले से बताएं कि आप इस फिल्म में यानी दगाबाज दिल में क्या कर रहे हैं? जी मैं एक सोना हूँ, मतलब सोना करेक्टर है मेरा, जो कि मतलब बहुत शार्प बच्चा है, हर बात में कुछ जाता है, तो आगे का मैं नहीं बताऊँगा, आगे व्यूवर्स देखेंगे फिर आगे। आपको आपकी ये गो के पहली फिल्म है, और या इससे पहले भी आपने किसी फिल्म में या ड्रामा में काम कर चुके हैं? जी मैंने बहुत सारे ड्रामास किए हैं, नाम बताऊं पता नहीं, और मैंने फिल्म भी करी है 1-2, वो कायद आजम जिंदाबाद और ये दगाबाज दिल। वजाहत रऊफ इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके उनका बताएं कि वजाहत रऊफ साहब ने आपसे कैसे काम लिया, सख्ती की या पोलाइट रहे, कैसा काम लिया उन्होंने? वो बहुत पोलाइट पर्सन है, और मैं बताऊं तो मेरी तरफ से बहुत अच्छे हैं। आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये फिल्म कामयाबी हासिल करेगी? जी इंशाल्लाह ये कामयाबी हासिल करेगी, और अगर व्यूवर्स का हमारे साथ सपोर्ट होगा तो ज़रूर